Good morning everyone. Well, as we have done in the last class, in the last video we have introduced chapter number 7, that is paint 3D. In that we have done 2D shape, that how we can draw 2D shapes. Today we will discuss that how we will draw 3D shape. अब देखो 3D shape मैंने आपको उस दिन बताया था कैसे होता है. जैसे देखो मैंने आपको सिर्फ बोला एक आपको जैसे सिर्फ एक स्क्वायर आपको बनाना है, तो अगर मैंने सिर्फ एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो 2D शेप में तो आप सिर्फ उसको फ्रंट से देख सकते हो, ठीक है. लेकिन अगर मैंने बोला 3D में हम लोग कोई भी चीज की रियलिटी देख सकते हैं. जैसे ये हमारी नोटबुक है, इसको हम पूरी तरह से देख सकते हैं. ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक भी देख सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी देख सकते हैं इस तरह से, मतलब हम इसको पूरा 360 डिग्री इस तरह से रोटेट करके देख सकते हैं. तो ये होता है हमारा 3D शेप. अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरह से इसके अंदर हम लोग कलर फिल करेंगे कोई भी शेप के अंदर, या किस तरह से हम ब्रशेस को यूज करेंगे, वी विल सी इन द प्रैक्टिकल. ओके तो हियर वी आर ऑन द पेंट 3D विंडो, ठीक है. टुडे वी विल डू हाउ टू इंसर्ट 3D शेप्स एंड हाउ टू यूज द ब्रशेस. ये जो सारे ब्रशेस हैं हमारे पास, इनका हम कैसे कैसे यूज करेंगे, ठीक है. आज हम इसको करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 3D शेप्स. इन द लास्ट क्लास वी हैव डन हाउ टू ड्रॉ 2D शेप इन आर कैनवास एरिया. ये जो एरिया है इस पे हम कैसे 2D शेप बनाएंगे. 2D शेप हमने बनाई थी यहां से, ये वाले 2D शेप का ऑप्शन आया और हमने यहां से कोई भी शेप पिक की और यहां पे ड्रॉ की, ठीक है. आज हम ड्रॉ करेंगे 3D शेप. 3D शेप पे हमने क्लिक किया. क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको ये अलग अलग तरह के इस तरह के शेप्स के डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है. अब आपको यहां से जो भी शेप लेनी है आपको उस पर क्लिक करना है. सपोज आई हैव चूजन दिस, मैंने इसको लिया, और लेने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ड्रैग कर देंगे इसको. देखो यही शेप हमने ली थी, ठीक है. इस तरह से हमारी ये शेप आ जाएगी. एक तो जो शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखना आप. मैं यहाँ पे 2D शेप भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको. एक तो इन दोनों में डिफरेंस देखना, थोड़ा सा डिफरेंस हमको ऐसा मिलेगा. सी ये जो शेप है, या फिर अगर हम कहें कि अगर हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं सी, तो ये वाली शेप में और ये वाली शेप में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है. और यहाँ पे देखो आप, हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहे हैं. सी इस 4 ऑप्शन में ये क्या है, इससे हम लोग रोटेट करेंगे जो हमने 2D शेप में भी किया था, ठीक है. ये हमने रोटेट किया, कैसे भी हम इसको रोटेट कर सकते हैं. ये वाला है, ये अगेन रोटेशन का है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन है. 2 रोटेशन हमारे पास होते हैं, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, ठीक है. इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है, इससे देखो हमारी शेप इस तरह से बन जाएगी. यानी कोई भी शेप जो है उसका हम पूरा ऊपर नीचे और पूरा उसका लेफ्ट राइट देख सकते हैं. देखो जैसे ये हमारी पेंसिल है, ठीक है, इसको हमने पूरी तरह से टर्न कर दिया, ऐसे पूरी तरह से हमने इसको टर्न कर दिया. तो हमने ये अगर हमारा फ्रंट है तो इसका हमें ये ऐसे बैक भी दिखाई देगा. तो ये हमें पूरी तरह से इसको टर्न कर दिया. कोई भी चीज को हम लोग ऐसे जब टर्न करके देख सकते हैं, ठीक है, तो ये हम 3D शेप में ही कर सकते हैं. देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे टर्न हो रहा है ये, ठीक है. नाउ जैसे ये वाला हमारा, सपोज ये माउस है, इसका ये फ्रंट है. 2D शेप में तो आपको सिर्फ यही चीज दिखाई देती, लेकिन 3D शेप में आपको इसका बैक भी दिखाई दे रहा है. तो यही चीज यहां से हो रही है. ये वाला जो रोटेशन हम इसका कर रहे हैं, देखो इससे हमने इसका बिल्कुल अपोजिट कर दिया. देखो ये बिल्कुल उल्टा हो गया सी, ठीक है. तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं. और ये वाला जो इसका है, इससे हम इसको देख सकते हैं कि हमारे कैनवास एरिया से कितना दूर है या कितना पास हम इसको 3D में बना सकते हैं, ठीक. तो इस तरह से हम लोग कोई भी 3D शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके बाद हम आते हैं कि हम लोग ब्रशेस का कैसे यूज करते हैं, ब्रशेस को हम लोग कैसे यूज करते हैं. तो हम लोग ब्रशेस पे गए. अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं. ये देखो अलग अलग तरह के हैं. ये मार्कर है, ये कैलीग्राफी है, देखो सब अलग अलग है. जैसे देखो
हम लोग फर्स्ट गए मार्कर पे, देखो ये वाला है मार्कर, इससे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बस इस पर क्लिक करना है और देखो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अभी आप जो देख रहे हो इसकी थिकनेस इतनी है, आपको इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो देखो ये वाला जो ऑप्शन है थिकनेस का, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको थिकनेस का, यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, जितना हम बढ़ाएंगे उतनी इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। देखो जैसे ये हमने किया इसको ऐसे, ठीक है, अब देखो इसका, देखो कितना मोटा हो गया ना, अभी पहले इतना था अब ये ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, और अगर हमें कलर कोई और लेना है तो हम कोई और कलर यहाँ से ले सकते हैं, ये कलर वाले जो ऑप्शन है देखो दूसरे कलर से ड्रॉ हो गया, ठीक है। सो हेयर आई हैव चूजन अ न्यू विंडो, यहाँ पे मैंने न्यू विंडो ली है। अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड जो है मार्कर के बाद नेक्स्ट वाला, उस पर हम देखते हैं किस तरह से है ये, ये वाला है हमारा कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी यानी हम जैसे कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी हमको लिखना है हम इस तरह से, और वही सेम प्रोसेस है इसकी थिकनेस का, देखो थिकनेस का भी वही प्रोसेस, हमको इसको बढ़ाना है, किस तरह से हमको इसको लेके जाना है, कितना हमको इसको मोटा करना है, तो ये इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है हमारा ये ब्रश, ऑयल ब्रश, देखो आपको दिख भी रहा होगा ऑयल ब्रश, ऑयल ब्रश देखो कोई भी, जैसे आप पेंटिंग करते हैं बहुत सारी तरह की पेंटिंग होती है, यानी कलर्स आप लोग चूज करते हैं, तो वो क्रेयॉन्स भी होते हैं, वैक्स कलर्स भी होते हैं, ऑयल पेंटिंग भी होती है, ऑयल और वाटर कलर भी होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे है एक ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश कैसे यूज होता है इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक शेप ड्रॉ करते हैं। चलो 2D शेप में हम गए और हमने यहाँ से एक शेप ड्रॉ की, ठीक है। इसके अंदर अब फिर हम जाते हैं ब्रशेज में और यहाँ से हम ऑयल ब्रश को चूज करते हैं, और कोई भी कलर हमने चूज किया। अब ये ऑयल ब्रश देखो किस तरह से पेंट हो रहा है, देखो इस तरह से ये पेंटिंग यहाँ पे चल रही है इसके अंदर। और ये आपको क्या करना है, कैसे करना है, अपने माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग करके आपको जितना भी ड्रॉ करना है आप उस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो ब्रश है ये वाला है हमारा वाटर कलर का। अब देखो वाटर कलर कैसे होगा, हमने कोई और कलर चूज किया, अब देखो वाटर कलर देखो कैसे हो रहा है, किस तरह से ये वाटर कलर की शेप आ रही है, इस तरह से ये वाटर कलर यहाँ पे, हमने इसकी भी थिकनेस चेंज की, देखो इस तरह से ये वाटर कलर यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पिक्सल पेन, इसके बाद देखो यहाँ पे है पेंसिल, ठीक है। पेंसिल जो नॉर्मली हम लोग पेंसिल का वर्क करते हैं अपने नोटबुक्स में, हम सबको पता है पेंसिल का वर्क, ठीक है। उसके बाद जो ब्रश, उसके बाद जो है वो है हमारा इरेजर, इरेजर से हम लोगों को कुछ इरेज करना होता है, तो ये हम इस तरह से ड्रैग करके इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हमने थोड़ा सा थिक किया तो देखो इसका एरिया बढ़ गया, ठीक है। अगर हम फिर से, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से इसकी थिकनेस को कम किया तो इरेजर का जो एरिया है इरेज करने का वो कम है अभी, और मैंने इसको बड़ा किया देखो तो इरेजर का जो एरिया है इरेज करने का वो थोड़ा सा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग कोई शेप बनाते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कोई शेप बनाई, देखो ये हमने बनाई इतनी बड़ी शेप, ठीक है। अब हमने लिया इरेजर, इरेजर कैसे लेंगे, ब्रशेस पे जाएंगे और ये इरेजर पे क्लिक करेंगे। अभी हमने देखो इसकी थिकनेस इतनी बढ़ा रखी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आए तो देखो कितना इरेज हो जाएगा एक साथ, काफी सारा इरेज हो गया ना। अब हम इसकी थिकनेस को कम कर देते हैं, तो अब देखो इरेज करना, देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इरेज हो रहा है। फिर से हम इसकी थिकनेस को अगर बढ़ा दें, देखो ज्यादा मैंने इसकी थिकनेस कर दी, तो देखो अब आप इरेज करोगे एकदम से ये बहुत सारा एरिया को इरेज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी शेप को ड्रॉ करके उसको इरेज कर सकते हैं। इरेजर के बाद हमारा यहाँ पे आता है, ये है हमारे क्रेयॉन कलर। क्रेयॉन कलर सबको पता है, नॉर्मली जो हम लोग क्रेयॉन यूज में लेते हैं छोटे बच्चे, तो नॉर्मली क्रेयॉन कलर से वर्क करते हैं, ठीक है। कोई भी कलर हमको चूज करना है तो हम लोग कलर चूज करके इस तरह से क्रेयॉन कलर जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से स्प्रे कैन। स्प्रे कैन होती है जैसे हम लोग स्प्रे करके किसी पे कलर करते हैं ना, आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसपे हम लोग स्प्रे करके कलर करते हैं। तो यहाँ से हम देखो इस तरह से इसको ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। देखो इस तरह से ये स्प्रे करके स्प्रे कलर हो जाएगा। और नेक्स्ट लास्ट में है हमारा फिल। फिल का मतलब है कि अगर हमने कोई भी शेप को ड्रॉ किया है उसके अंदर हमको कलर को फिल करना है,
अभी तक आपने जो देखा वो नॉर्मली एक लाइन में जा रहे थे, जैसे हम उसको ड्रैग कर रहे थे। फिल का मतलब है किसी भी शेप के अंदर कलर को फिल करना। कोई भी कलर हमने लिया, देखो शेप के अंदर ये फिल हो रहा है। यहाँ पे आपको इसलिए पार्ट्स में दिख रहा है क्योंकि ये पहले से ही बीच में इसमें पार्टीशंस बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम शेप में कलर को फिल कर सकते हैं। पूरी शेप के अंदर कलर फिल करना हम करेंगे इस फिल से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शेप बना के और उसमें कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें कोई भी ड्राइंग को सेव करना है तो सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जहां पर भी हमको इसको सेव करना है, सपोज आई हैव टू सेव ऑन द डेस्कटॉप, तो यहाँ पे जिस भी नेम से अगर मैं दूंगी, यहाँ पे सपोज मैंने दिया पेंट, पेंट के नाम से मैंने इसको दिया और ये सेव हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं डेस्कटॉप पे जाके। डेस्कटॉप पे आ गए हम, देखो ये हमारे पेंट के अंदर ये थंबनेल सेव हो गया। ठीक है, अब हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करने के लिए डेस्कटॉप से डायरेक्ट ओपन नहीं करना चाहते हम लोग पेंट के अंदर जाना चाहते हैं। और डेस्कटॉप पे तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, आप इसको कहीं पर भी सेव कर सकते हो। तो मेन्यू में जाएंगे और ये ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन, अभी देखो जो हमने सेव किया है वो हमने नॉर्मली एक डेस्कटॉप पे सेव करा। ठीक है, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि हम किस तरह से उसको सेव कर सकते हैं। अगर हम इसको सेव करना चाहें पेंट 3D के नाम से, पेंट 3D के अकॉर्डिंग हम इसको सेव करें, तो हम यहाँ पे देखो हमारा जब भी हम सेव एज पे हमने क्लिक किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है और दूसरी जगह मुझे इसको सेव करना है तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक दे रहा है कि हमें पेंट 3D के प्रोजेक्ट के नाम से सेव करना है या इमेज है या वीडियो, किस तरह से हमको सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पेंट 3D के नाम से इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद ये सेव इन पेंट 3D का ऑप्शन मांगेगा और हमने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो हमारे सेव्ड प्रोजेक्ट में ये चीज आ गई। ठीक है, तो सेव यहाँ से हम लोग इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे और देखो ये हमारी चीज, हमारा जो भी पेंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोई भी ड्राइंग जो हम सेव कर रहे हैं वो हम सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेंट 3D। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।